कौशिक भाई। चलो मुकेश भाई मिलते हैं, हम दोनों ब्लॉगर एक साथ आज इकट्ठा हो गए, तो जाइए मुकेश भाई की चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको भी प्यार दिखा दीजिए, अपनी जनता है ना मुकेश भाई। जी, चलो भाई मिलते हैं, अपना ध्यान रखो और मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगा भाई से नंबर लेके। चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। मुकेश भाई बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, उन्होंने पर्सनली बहुत हेल्प किया हम लोगों को। चलो निकलना है ना। ओके, तो क्या बोल रहा था, एक तो मैंने पार्ट एंड कर दिया, दूसरा चालू भी कर दिया तुरंत ही। एनर्जी लेवल इतना है ना, एक सी भी चला चला के पता नहीं कहाँ से आ रही है सब एनर्जी। एनर्जी का राज तो मेरे को भी नहीं पता है, बट आ रही है वही बहुत बड़ी अच्छी बात है। फोन में भी चार्ज नहीं है तो उसको रखूंगा चार्ज में, और यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा आश्रम पड़ता है 40 से 50 किलोमीटर, तो कंटिन्यूस ड्राइव करता हूँ और बाद में आप लोगों को मिलता हूँ। आज बहुत टाइम बाद हो रहा था और हाथी देखा, छोटे थे तब ऐसे जाते थे और हाथी को केला वेला फ्रूट वूट खिलाते थे और औरावत के साथ जो, बट अभी ये सब कल्चर पता नहीं चला गया है कहीं, सिटीज में तो दिखता ही नहीं। आज गांव से जा रहा था तो देखा इधर, और होना चाहिए जिससे हमारे बच्चों को और हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि एक पौराणिक जो समय था वो कैसा था। तो अच्छा लगा तो आपसे भी शेयर कर दिया। इसलिए बोलता हूँ धीरे चलाओ, देख के चलाओ। फाइनली अभी हम पहुंच गए हमारी पावन भूमि पे, मतलब हमारा जहाँ आश्रम बनने वाला है यहाँ पे। और स्पेक्स मैंने इसलिए पहन रहा क्योंकि धूप बहुत है और मेरी आंखें आपको पता है वैसे धूप में खुलती नहीं ज़्यादा, ऐसे वो चीने लोगों को कितनी खुलती है, थोड़ी थोड़ी उतनी ही खुलती है। और अभी देखो ये वाला कंटेनर जो आपको बोला था ना कि हम लोग कंटेनर लेके गए, कौन सा वाला बुक किया था तब मैंने आपको नहीं बताया था, तो पहले तो आपको जाता हूँ और कंटेनर का विजिट देता हूँ कि कौन सा वाला कंटेनर लिया था। और ये हमारे बागाता है, बागाता बागा तो आप मिले होंगे उनको शायद। राम राम। अभी वो इधर रहते और सब चौकीदारी का काम वाम करते हैं। और चलो अभी आपको कंटेनर टूर भी दे देता हूँ कि उस दिन हम लोगों ने कौन सा बुक करवाया था। देख लो ये पूरा हमारा अभी हाउस है, ये हमारा घर है, यहाँ पर ही हम रहेंगे अगले जब तक जो मेन बिल्डिंग है वो नहीं बन जाता। और 10x15 का साइज है, मतलब समझो ना एक अच्छा खासा बेडरूम होता ना उतना साइज है। यहाँ पर 3 सोफे, एक बेड विथ सोफा वाला सोफा है, और यहाँ पर ऐसे ही गद्दा वद्दा, मिनी फ्रिज भी है, एसी आज लाए तो वो भी लग जाएगा, सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया जिससे यहाँ पर सब निरीक्षण हो जाए। और हमारे भाणा भाई गेम जो कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। आपको बहुत मिस किया मैंने एग्जाम टाइम में, मैंने भी आपको बहुत मिस किया यहाँ, थैंक यू। तो एग्जाम टाइम में तो सबको बहुत मिस किया। और क्या बोल रहे थे, देखो इतना हेवी है यार, मेरे को कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा पहले से ही पता नहीं क्यों। और इसका साइड का भी मैं आपको व्यू सब दे देता हूँ, एक विंडो ये पड़ता है, एक ये वाला पड़ता है, और ये सब पतरे वतरे डाल रहे, इधर मजूर वजूर सब रह रहे। ये मैंने जो आनंद से भिजवाया था बोलेरो में, आपको शायद पता हो मैंने भिजवाया था आनंद से, तो ये पूरा शेड ये वाला है, 30x30 का है, मतलब बहुत अच्छा खासा स्पेस मिलता, आराम से 30-20 लोग आराम से रह रहे थे, अपना सामान भी इधर पड़ा रहता है, सीमेंट वीमेंट हो गया, मजदूर का सब कपड़ा वपड़ा हो गया वो पड़ा रहता है। अभी इधर बैठेंगे पूरा, पहले मैं राउंड लगाऊंगा कैसे कैसे क्या काम हो रहा है और बाद में आपसे मिलूंगा। ये आपने बनाया मेरे लिए शैलेश भाई? नो, मैंने नहीं बनाया, वो राजू भाई है ना इसने बनाया। अच्छा राजू भाई और खा रहे, चलो मेरे को भूख लगी थी तो सोचा थोड़ा बहुत सिंपल सा खाना है, चावल खा लेता हूँ। अभी तो इधर तो यही खाने में मजा आता है जो चूल्हे पे बनता है, देखो उधर वो बना है ना वो राजू भाई, वो सब पूरा टीम बनाता है हमारे वर्कर का टीम, वही खाने का और उसमें ही मजा लेने का। चलो आजकल दिमाग पता नहीं कैसा हो गया ना, बुद्धि क्षमता सारी चली गई, याद शक्ति हमारी, कहीं पे भी चाबी भूल जाते हैं, देखो कहीं पे भी चार्जर लटक के चलता है, कहीं पे भी फ़ोन पड़ा रहता है, 2-3 फोन है, चाबी है, उसके चक्कर में सब ऐसा होता रहता है। ऐसा होता है भाई, अब क्या करें, आपके पास इसका कुछ इलाज है तो बताओ। और अभी बच चुके 4 बज गए, लोकल ग्राम पंचायत में आया था थोड़ा बहुत, हम लोग लोकल ग्राम पंचायत में आए थे, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम था इसलिए व्लॉग नहीं कर रहा था, मैंने बोला वो निपटा के बाद में ही करता हूँ। अभी वापस जाते आज, ये हो रहा है पाइलिंग,
इसको बोलते हैं पाइलिंग मशीन है, एक ट्रैक्टर के पीछे लगता है पूरा, आप देख रहे हो ना ये पाइलिंग। इस पाइलिंग मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ, पाइलिंग मतलब एक गड्ढा अंदर गाड़ना पूरा राउंड सर्कल में। पहले आप वो देख रहे हो छोटा छोटा वो था, वो मजदूर से चलता था, ये पूरा पूरा ये देखो ये ट्रैक्टर से चलता है, वो मजदूर से चलता था, उसमें बहुत टाइम लगता था पाइल करने में, गड्ढा करने में। तो उसके बाद हमने अर्जेंटली ये वाला मशीन मंगवाया, इससे क्या है फटाक से हो जाता है, पूरे 150-200 जितने पाइल कर रहे हैं पूरे राउंड में पेरीफेरी में। बाद में देखो ये कैसा है, कंस्ट्रक्शन होके अंदर माल सामान मिट्टी विट्टी डाल के, जो सीमेंट वीमेंट है वो सब डाल के, उसको एक बेस मिलता है जिससे एक पूरी कंपाउंड वॉल बाउंड्री वॉल अच्छी सी बनेगी। देखो आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना पूरा फिर ऐसे हो जाता है, फिर यहाँ से ये पूरा लाइन बनेगा। तो अभी पाइलिंग का काम चालू है मस्त, ज़्यादातर ज़्यादा एक महीने के अंदर ये काम निपट जाएगा ऐसा मेरे को लगता है। पिछले 2 दिन से बारिश चालू थी इसलिए आज काम चालू है, बट कोई बात नहीं, अच्छा खासा काम चल रहा है। और ये हमारा पाइलिंग वाले भैया है, क्या कहना चाहोगे, कुछ है कुछ तो बोलो, क्या बोलूं, कुछ बोल, काम चल रहा है, बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है। अभी मस्त चूल्हे की चाय बनाई हमारे शैलेश भाई ने, शैलेश भाई चाय पिला दो यार। ये कौन सा आनंद वाला थर्मस है, यस वो चल रहा है, वो सर्विस किया है ना। अच्छा देखो यहाँ इधर से सर्विस की, इधर से सर्विस करवाई तो चल यार, चूल्हे की चाय पीने का मजा ही अलग होता है ना। ये कब से मैं इतने बड़े भयंकर वाले मुसीबत में पड़ा हूँ ना, देखो इधर तीन फोन पड़े, उसमें से हॉटस्पॉट बारी बारी ट्राई किया, मेरे फ़ोन में 2 सिम है उसमें भी ट्राई किया, बट पता नहीं क्या हो रहा है, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा है। 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है मेरे को, कैसे भी करके 8:30 बजे तक अपलोड कर देना, अभी बच चुके 6 बज गए, अब मैं कैसे करूँगा मेरे को नहीं पता है। अभी हम लोग जा रहे हैं पीने का पानी लेने के लिए, हमारे शैलेश भाई साथ में, वो गाड़ी चला रहा है, मैं कब से लैपटॉप खोल के माथा चीक कर रहा हूँ पिछले 1 घंटे से कि कुछ तो हो जाए, बट मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो ट्रैवलिंग करता है ना उन लोगों के लिए वीडियो बनाने से एडिट करने तक, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि वो टास्क पूरा ईजी है, बट उसको जब मेन पॉइंट आता है ना अपलोड करने का, तब बहुत लोचा रहता, कोई स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से कभी आता है कभी नहीं आता है। तो साला कभी 2 बार तो ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट 80-90% होने के बावजूद बंद हो गया, तब ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा दुख लगता है दिल को। बट कोई नहीं, अपने हार मानने वालों में से नहीं है, आप लोगों के लिए कुछ भी हो जाए करेंगे, मतलब करेंगे। उधर सोते हैं। आप इतनी महंगी गाड़ी का क्या उपयोग कर सकते हो शैलेश भाई, वो बोतल लाने के लिए, ले जाने के लिए, पानी लाने के लिए, जाने के लिए। अरे आप सच नहीं मानोगे, लिटरली इसका उपयोग है ना, वो बोलेरो पिकअप आते है ना उससे भी गंदा वाला, इतना ट्रैक्टर का भी नहीं होता। आप गाड़ी देखो कितनी गंदी होती है रोज, इसका ये पूरा गंदा हुआ पड़ा है, मतलब इसको साफ करो, वो कुछ लेके लाओ वरना मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है रहने दो। आप बोले ना कुछ गिरा है जो एक उड़ा था, अच्छा वो तो वो कूल कूल चॉकलेट का आया था ना उसके साथ आया था, ये तो कुछ काम का नहीं है। हाँ तो ऐसा बोल रहा था, आप अपनी गाड़ी का कितना रफ यूज करते हो, हम तो देखो भैया इतना रफ यूज करते हैं, और उस चक्कर में पूछ, आप सच नहीं मानोगे ये गाड़ी को लिए 1 साल भी नहीं हुआ, और पीछे के दोनों सस्पेंशन चले गए, उसमें खर्चा है बहुत लंबा, बट उसके लिए 2 दिन रखनी पड़ती है और इतना टाइम नहीं है, गाड़ी के बिना हमारा पूरा काम अटक जाता है, उसके लिए रख भी नहीं पाते, बट अभी जो होगा कर देंगे उसका। और सामने सब मंडली हमारी बैठी है, सब दोस्त यार बैठे हैं। अभी हम लोग आए थे ओमराम बापू के पास, रात के ऑलमोस्ट 8 जैसे बज चुके थे, और बापू के आशीर्वचन लेने थे इसलिए हम आए। शैलेश भाई बाय बाय, गुड नाइट। अभी से कहा, अभी तो खाना भी बाकी है, खाना बाकी है अभी तो, आपको गुड नाइट बोलूंगा क्योंकि मैं बिचड़ रहा हूँ आपसे, बिचड़ रहा हूँ हमारे शैलेश भाई का बाबा हिंदी। अरे भाई इधर से ले लो, यही आगे पड़ेगा क्योंकि वो उस साइड रहते है, बस वालों ठोकी दे से हाथ चुका हूँ। देखो मेरा टॉवेल, देखो सुबह के नहाए हुए ऐसे ही पड़े। ऐसा बोल रहा था कि ये जो व्लॉग देख रहे हो ना, आप सच नहीं मानोगे इसको लिटरली कैसे अपलोड किया, इसके रूफ के ऊपर रखा था मैंने फोन, वो भी 1 घंटा रखा, तब जाके व्लॉग पूरा अपलोड हुआ। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है आज, नेटवर्क का इतना बड़ा इश्यू मैंने कभी तक नहीं देखा, फिर फाइनली अभी अपलोड हो ही गया है। और
अभी हम जा रहे हैं अपने गांव वाघनगर, क्योंकि कल एक थोड़ा काम है, वो क्या है क्या नहीं वो आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगा, और आज के बस व्लॉग में कुछ दिखाने के लिए अब मेरे पास है नहीं। तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो आपके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए अब मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन नए विचारों के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।